Hello everyone, let's start. Let us continue with today's topic, which is regarding CSWT. और इसमें हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे थे. हमारा आखिरी चैप्टर है फॉर पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशंस. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज वेरी कॉमनली इन द बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स एंड ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑल्सो, नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स. सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 196 ऑफ आर मॉड्यूल. द फर्स्ट टर्म टू बी डिस्कस्ड इज ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली में वो पॉइंट है जहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है. यू नो द कलेक्शन द कॉन्ट्रीब्यूशन विच यू रिसीव विच रिकवर्स योर फिक्स कॉस्ट. तो आपने जितना फिक्स्ड पैसा लगाया था बिजनेस में प्रोजेक्ट में दैट यू हैव रिकवर्ड. ओके एंड इट इज़ एग्जैक्टली द सेम. मीन्स फॉर्मूला होता है. अगर आप फॉर्मूला वाइज जाएँ एंड इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, सो द फॉर्मूला इज लाइक दिस. सेल्स, सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को हटा दें. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं. सो आफ्टर डिडक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट व्हाट यू गेट इज इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, सो द टर्म इज कॉन्ट्रीब्यूशन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन. कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी बचा उसमें से जब आप फिक्स्ड खर्चे माइनस करते हैं so what you get is called profit. so this is the final value. so when your contribution is exactly equal to your fixed cost, so the profit is zero. no profit, no loss. that is called the break even point. ये finance का term है, costing का term है. you will be studying it at the executive level. next, buying selling agreement is very easy, so I am not going for that. call, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कॉल मनी मंगवाते हैं, कंपनी कॉल करती है कि भाई इतना पैसा आपको पे करना है, सो यू गो फॉर इट. सो दैट इज़ द थिंग. कैपिटल जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें फिक्स कैपिटल भी होती है विच इज़ वन टाइम परमानेंट. इसमें वर्किंग कैपिटल भी होती है. ठीक है, ये भी हमने देखा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन कैपिटल असेट्स. कैपिटल असेट्स खरीदें, लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदें, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स खरीदें. ऐसे खर्चे करें जिनका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए मिले. नेक्स्ट इट इज़ केस लॉ. केस लॉ का सॉरी केस, केस का मतलब लॉ सूट फाइल करना या कोर्ट में जाके लीगल एक्शन लेना, जैसे हमने आगे भी बात की थी. केस लॉज मतलब जो केसेस के डिसीजंस आते हैं. ठीक है, जो जजमेंट्स आते हैं वो आगे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल किसी सुप्रीम कोर्ट ने सपोज किसी मैटर में कोई डिसीजन दिया एंड दैट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. और ऐसा केस अगर वापस कहीं पे रिपीट होता है, सेम टाइप ऑफ क्राइम और ऑफेंस और सिचुएशन, सो उस केस में क्या रेफरेंस, मतलब क्या जजमेंट दिया गया था, क्या सिचुएशन थी, उसका रेफरेंस लिया जा सकता है एंड दैट कैन बी यूटिलाइज हियर इन द गिवन केस विच मे बी इन सुप्रीम कोर्ट, विच मे बी इन हाई कोर्ट, विच मे बी इन एनी अदर कोर्ट. रेफरेंस लिया जा सकता है कि हाँ ऐसा कुछ उस केस में भी तो हुआ था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखो हमारे फेवर में फैसला दिया था, उस टाइप का केस हम यहाँ पे, या जैसी हमारे जैसी जो पार्टी थी उसके फेवर में फैसला दिया था. तो इट कैन बी टेकन एज अ रेफरेंस, एज एन एग्जांपल. नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. हाँ, ये तो आजकल हर कोई मांगता है. ठीक है सर, पूरा पेमेंट कर रहे हैं हम, जितने भी गुड्स आपसे खरीद रहे हैं. सपोज एक होता है कि क्रेडिट पे गुड्स देना, तो मैं यूजुअली क्रेडिट पे गुड्स बेचता हूँ और 2 महीने की क्रेडिट पॉलिसी होती है. फिर 2 मंथ्स में आप कभी भी पे कर सकते हो, नो हरी. आपने बोला कि सर मैं तो अभी कैश दूंगा, कुछ फ़ायदा होगा तो मैं अभी पैसे पे कर देता हूँ. मैंने बोला ठीक है, 2 मंथ्स के हिसाब से मैं आपको इतना इंटरेस्ट का अमाउंट लेस कर देता हूँ, बाकी का आप मुझे अभी पे कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट. फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी एक्चुअली थोड़ा आगे भारी पड़ेगा, ये एग्जीक्यूटिव में आप सीखोगे, तो अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. देन इट इज़ कॉज लिस्ट. कॉज लिस्ट का मतलब ये है कि कोर्ट के पास डेली एक डिटेल्ड लिस्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि कौन कौन से केसेस आज के दिन में सुने जाने हैं, कौन सी बेंच, कौन सा कोर्ट रूम नंबर और कौन सी पोजीशन पे वो मैटर है. तो अब कोर्ट में आप जाओगे तो अलग अलग कमरे हैं, बहुत सारे कोर्ट बने हुए हैं, अलग अलग केसेस हैं, तो कौन से कोर्ट रूम में आपको जाना है, कौन से नंबर के रूम में जाना है, कौन से जजेस की पैनल होगी वहाँ पे जिसको हम बेंच बोलते हैं, तो वो सब डिटेल्स इस लिस्ट में होती है जो वहाँ जजेस को और स्टाफ को दी जाती है कि भाई ये केस के लिए लोग आएंगे तो इनको यहाँ पे भेजना है आपको, तो उसको बोलते हैं कॉज लिस्ट. ठीक है, फिर है कैवियट एम्प्टर. ये अगर मे बी आपने पढ़ा हो, इसको बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर.
ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर, मतलब अगर आप किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसका ये राइट है कि उसको पूरी अवेयरनेस हो, पूरी जानकारी हो कि वो क्या खरीद रहा है और उसका क्या यूज़ है, ठीक है, उसको बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसे छुपा नहीं सकते हो। चेक क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू अपन किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे बीच में एक बैंक इन्वॉल्व है, मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जो एक कागज़ का टुकड़ा है, जो एक पीस ऑफ पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ चेक। तो बहुत सिंपल हो गया ये, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, चलेगा आपके एग्जीक्यूटिव में इसकी और डिटेल जाएंगी, वहाँ मज़ा आएगा। कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, कुछ एक तरीके से गिरवी रखना पड़ता है ना, जैसे आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाले आपको फ्री में थोड़ी ना लोन देते हैं, दे वांट के कुछ आप गिरवी रखो, कुछ गारंटी दो कि अगर आप पैसा नहीं चुका पाए तो कैसे रिकवर करेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, कमीशन। कमीशन जनरल टर्म है, सबको पता है, ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ काम किया एज योर एजेंट, तो आपके गुड सेल करवा के दिए, आपको बायर से कांटेक्ट कराया, सेलर से कांटेक्ट कराया, तो कुछ तो मुझे फीस पे करोगे, दैट इज़ कॉल्ड कमीशन। फिर इसके बाद है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है, कॉमन लॉ वो है जो लिखित कानून में नहीं है, मतलब रिटन लॉ नहीं है, ये होता है ना कि ड्राफ्टेड लॉ है, कागज़ पे लिखा हुआ है, दोनों हाउसेज में पास हुआ है, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट के पास, तो दैट इज़ अ रिटन लॉ, लेकिन अदरवाइज हम उसको बोलेंगे कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है एक जनरल लॉ जो जजिस के फैसलों से डेवलप हो गया, इट इज़ अनरिटन जज मेड लॉ, तो उसको अपने बोलते हैं कॉमन लॉ। क्यों? क्योंकि कोई स्पेसिफिक कानून अभी तक नहीं बना है और उसको लेके कोई मैटर कोर्ट में आ गया, तो जज ये थोड़ी बोलेंगे भाई इस पर तो कोई कानून नहीं बना है, हम कैसे जवाब दें, भाई आप जज हो कुछ तो बताओ, तो वहाँ पे कॉमन लॉ काम आता है, ठीक है। कंप्लेंट, दैट इज़ नॉर्मल टर्म। क्रिमिनल केसेस में अगर आप किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हो तो उसको कंप्लेंट बोलते हैं, सिविल मैटर्स में उसको प्लेंट बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंस, वो टेक्निकल डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। कंडीशन, कंडीशन की बात करें, इट इज़ अ स्टिप्यूलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, तो उसको स्टिप्यूलेशन बोलते हैं या फिर कंडीशन बोलते हैं, जो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है और उनको फॉलो करनी है। कंसाइनमेंट, गुड्स भेजना, ठीक है, गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र करना, किसी एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्टली हो सकता है, तो उसको हमें कंसाइनमेंट बोलेंगे। फिर बोला है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब एसोसिएशन या फिर ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज को हम कंसोर्टियम बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल टर्म है, कलेक्टिव टर्म है। देयर मे बी नो अदर कनेक्शन बिटवीन द कंपनीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, इट इज़ यूजुअली टू शेयर द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी अंडरटेकन। तो कोई पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए या पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंपनीज एक साथ काम कर रही हैं, या एक एक कंपनी ने अलग अलग सब्सिडरीज बना दी है, तो दे आर अ कंसोर्टियम, दे आर अ ग्रुप एंड दे आर मैनेजिंग द बिजनेस टू गेदर, तो ऐसा भी हो सकता है, तो इट इज़ अ कंसोर्टियम। तो जैसे होता है इवन कोई ट्रांजेक्शन के लिए भी वो साथ में आ सकते हैं, अब जैसे विजय माल्या को लोन देना था तो 17 बैंकों ने एक कंसोर्टियम फ्रेम किया, ग्रुप बनाया, और फिर ग्रुप में थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको लोन दिया जो उसने रिटर्न अभी तक नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं कंसोर्टियम। अब वो पूरा कंसोर्टियम उसके पीछे पड़ा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट के ऑर्डर को डिस ओबे करना, उनकी बात ना मानना, अपने बोलते हैं ना कोर्ट की तौहीन है, हिंदी मूवीज में सुना होगा आपने, अगर अभी के अभी अपनी जगह पे आप जाके खड़े नहीं हुए तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपके अगेंस्ट मुकदमा चलेगा, ये वो ऐसी बड़ी बड़ी उर्दू वर्ड्स फेंक फेंक के मारते हैं, अपने घबरा जाते हैं, मैंने क्या चल रहा है ये तौहीन और ये वो पता नहीं क्या है, कुछ नहीं डिस ओबे, ठीक है, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आजकल कंटेम्प्ट बोलते हो गए, पहले 90s की मूवीज में नहीं बोलते थे, उसमें वही तौहीन वाला ही चलता था, उर्दू राइटर थे सारे। फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी सिंपल है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो मैं वापस इस पे क्यों जा रहा हूँ। कन्विक्शन, टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है, अगर आप पे केस चल रहा था और फैसला आ चुका है और आप उसमें गिल्टी प्रूव हुए हो तो फिर हम बोल सकते हैं कन्विक्शन, जेल जाना पड़ेगा। दूसरा एक और टर्म होता है उसको बोलते हैं एक्विटल। एक्विटल का मतलब है टू सेट फ्री फ्रॉम चार्जेस, बाइज्जत बरी कर देना, सुना आपने हिंदी मूवीज में, दैट इज़ कन्विक्शन, सॉरी दैट इज़ एक्विटल, और यहाँ पे है कन्विक्शन। कॉस्ट का मतलब भी बताना पड़ेगा, एक्सपेंस, खर्चा, बर्डन। कवर नोट नया टर्म है आपके लिए, कवर नोट जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज में ज़्यादातर कवर होता है, जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं पॉलिसी आने में टाइम लगता है,
पॉलिसी आने तक आपकी जो सिक्योरिटी है वो कैसे होगी, किस बेसिस पे होगी, कवर नोट के बेसिस पे, ये आप ध्यान रखना। फिर है क्रेडिट, लिटरली ट्रस्ट और बिलीफ। क्रेडिट का मतलब भरोसा, ट्रस्ट और बिलीफ, ठीक है। अगर आप किसी को बिना पैसों के गुड्स दे देते हो कि भाई पैसे बाद में देना, तो आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है ना, अदरवाइज कैसे हो सकता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम देखें, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट अकाउंट्स में, तो आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की ज़रूरत है। अब ये क्रिसिल जो है, ये एक एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कंपनीज को एक रेटिंग देती है कि भाई ये कंपनी कितनी क्रेडिट वर्दी है और कितनी नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिसिल, ठीक है। तो ये 1988 में सेटअप हुई थी और इनका काम ही यही है। तो ये लोग रेगुलरली कंपनीज को रेटिंग देते रहते हैं, डेटा प्रोवाइड किया जाता है इनको कंपनी के थ्रू, उसके बेसिस पे, ठीक है, वैसा होता है। फिर है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या? शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, ठीक है, लिमिटेशंस, परेशानी। फिर है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब होता है, मूवीज में देखा आपने, मेरा लॉयर सामने वाले को सवाल पूछ रहा है, सामने वाले का लॉयर जो है मुझे परेशान कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक वालों को RBI के पास कुछ कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है टू शो देयर लिक्विडिटी, कि भाई हमारे पास पैसे हैं और हम बैंकक्रप्ट नहीं हो गए, ठीक है, दैट इज CRR। करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब शॉर्ट टर्म असेट्स, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तक, और मोस्ट प्रोबेबली अप टू 1 ईयर या 2 ईयर्स, उस तरीके से, अदरवाइज तो फिर फिक्स असेट हो जाएगा वो। करंट डेट, ये भी शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो आप जनरली साल 2 साल में पूरी कर दोगे। डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन, खास ध्यान रखना। तो डैमेजेस सिविल सूट्स में जनरली डैमेजेस होते हैं, भाई आपने मेरा कुछ नुकसान कर दिया, कोर्ट क्या बोलेगा, भाई इनके पैसे दे दो, इनके नुकसान की भरपाई कर दो, आपने जो इनका सामान नुकसान कर दिया वो सामान इनको ला के दे दो और केस ख़त्म करो, दैट इज़ कॉल्ड डैमेजेस। डे ऑर्डर। ओके, ये डे ऑर्डर, ओके, ये तो आपका इंट्रा डे और ट्रेडिंग वाली बात हो गई, पता, शेयर्स खरीदते हैं सेम डे के लिए कि आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं डे ऑर्डर। फिर नेक्स्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। कंपनी अगर आपसे उधार पैसा लेती है तो आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि जब तक हम आपका उधार नहीं चुका देते, भाई 5 साल, 10 साल, 3 साल, तब तक के लिए आपको ब्याज रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा और मेच्योरिटी की डेट पे आपका पैसा आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। फिर इसके बाद है डेबिट नोट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जाने दो। डेट और इक्विटी आपने अकाउंट्स में पढ़ा है, उधार और इक्विटी मतलब कैपिटल, यानी जो मालिक बनते हैं कंपनी के वो। डेट फिनेंसिंग मतलब कंपनी चलाने के लिए उधार लेना, डेट बोरो करना। तो डेट बोरो करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो ये रहा डिबेंचर्स, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास लोन। लोन लेना है तो कहाँ जाके लोन लेंगे, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, ठीक है, हम ये कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट भी मांग सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत ही इजी इजी टर्म्स है तो टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? कोई चीज़ ऐलान कर देना किसी चीज़ का, टू यू नो एक्सप्रेस समथिंग, कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। एन अनस्वोन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मेड बाय अ पार्टी टू द ट्रांजैक्शन और बाय वन हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन द फैक्ट्स रिकाउंटेड। अनस्वोन स्टेटमेंट, आपने कोई कसम नहीं खाई है, बट आपने डिक्लेरेशन किया है कि मेरे हिसाब से ये सिचुएशन है और मैं ये सबको बता रहा हूँ, एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ टू द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, दैट इज डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इज डीड। डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच प्रिस्क्राइब्स सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड विच क्रिएट्स सम रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। इट इज रिटर्न, इट इज साइंड, इट इज सील्ड, इट इज डिलीवर्ड, डन, दैट इज पार्टनरशिप डीड, बेस्ट एग्जाम्पल। यू कैन कंसिडर सेल डीड, परचेज डीड, दीज आर द टर्म्स। देन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जो आपने कमिट किया था आप वो नहीं कर रहे, जो आपको बोला गया था वो फॉलो नहीं कर रहे, तो एक तरीके से आपने कुछ ना कुछ कंडीशंस को ब्रीच किया, तो दैट इज डिफॉल्ट। डिफेंडेंट। कोर्ट केस में दो पार्टीज होती हैं, एक प्लैंटिफ और एक डिफेंडेंट। जो केस कर रहा है वो प्लैंटिफ और जिसके अगेंस्ट केस किया जा रहा है वो डिफेंडेंट। अब उसको अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले के एलिगेशंस को झूठा साबित करना होगा, तो दैट इज़ द थिंग। इसके बाद है डी मटीरियलाइजेशन, ठीक है, डीमैट। फिजिकल शेयर्स, पेपर पे जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, आज तो मोबाइल से खरीदो बेचो काफ़ी ईजी हो गया है, तो दैट इज़ द टर्म विच इज़ कॉल्ड डी मटीरियलाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड डीमैट। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा,
और उसी बेसिस पे अगला टर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, डिपॉजिटरीज की हम बात कर रहे थे, तो डिपॉजिटरीज जो हैं ये लोग एक इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। मीन्स जो आपके स्टॉक डीमैट फॉर्म में हैं उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तो वो काम ये डिपॉजिटरीज यहाँ पे करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना, ये लोग आपके शेयर्स की देख रेख करते हैं, इनको संभालते हैं और इनका सारा डेटा मेंटेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डिपॉजिटरी। अगेन ये सीएस एग्जीक्यूटिव का आपका डिटेल्ड कंसेप्ट है। इसके बाद डेप्रिसिएशन, अब देखो डेप्रिसिएशन अगेन इसमें मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स में ही अच्छे से आप पढ़ चुके हो, दैट इज़ ओके। डेरिवेटिव मार्केट में जो यहाँ पर टर्म आया है, अगेन इट इज़ अ सिक्योरिटी लॉ कंसेप्ट और थोड़ा डिटेल्ड है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इस तरीके की दो सिक्योरिटीज़ मार्केट में ट्रेड होती है तो उनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। डेरिवेटिव वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट, किसी और असेट से ग्रैब करते हैं। मतलब जैसे अंडरलाइंग असेट में गोल्ड हो सकता है या किसी और कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसकी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू ना हो, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। इसके बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब दूसरों से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कुछ हटके कुछ अलग बताना, ताकि कस्टमर्स की लॉयल्टी आप जीत सको और उन्हें अट्रैक्ट कर सको, दैट इज़ द पॉइंट। इसके बाद है डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट का मतलब होता है पेमेंट करना। जैसे आपने लोन लिया तो लोन का जब चेक आता है तो उसको बोलते हैं डिसबर्समेंट, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। इसके बाद बात हो रही है डिस्काउंट की, ठीक है, डिस्काउंट का मतलब रिडक्शन, तो ये टर्म तो सबको पता है। डिस्काउंटेड बिल, बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट आपने शायद 12th तक कहीं पढ़ा होगा, जहाँ पे ऐसा होता है कि किसी ने आपको बिल साइन करके दिया है और उसका पेमेंट आपको 3-4 महीने 6 महीने बाद मिलने वाला है। आप बैंक के पास जाते हो, उनको बोलते हो ब्याज काट के हमें पैसा अभी दे दो और बिल आप रख लो, जब ड्यू डेट आएगी तो सामने वाली पार्टी से कलेक्ट कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। फिर बात हो रही है डिसमिसल, ठीक है, डिसमिसल का मतलब है अ जजेस डिसीजन टू द एंड टू एंड द केस। मतलब जज ये बोल रहा है कि इस केस को मैं डिसमिस कर रहा हूँ, इस पर मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, केस है ही नहीं, मुझे आगे सुनना ही नहीं है, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कार्यवाही नहीं होगी, ठीक है, दैट इज डिसमिसल। फिर नेक्स्ट टर्म है डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब अगेन किसी लीगल केस को एंड करना या उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग को ख़त्म करना। आप बोलोगे सर डिसमिसल और डिस्पोज में फिर फ़र्क क्या रहा, बट डिसमिसल का मतलब है कि उसको उस केस को सुनना ही नहीं आगे, वहीं पे कैंसिल ख़त्म, और डिस्पोज का मतलब हुआ कि केस को लीगली एंड कर दिया, मतलब डिसीजन भी दिया हो सकता है ना, गिविंग अ डिसीजन ऑन अ केस इज डिस्पोजिंग अ केस, वैसे बोला है। डिस्पोजिशन द मैनर इन विच अ केस इज सेटल्ड और रिजॉल्व, तो उसका जो मैनर होगा डिस्पोज करने का जो मैनर होगा उसको डिस्पोजिशन बोला जाएगा। डिसोल्यूशन द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज ऑल्सो कॉल्ड अ डिवोर्स, तो ये भी काफ़ी कॉमन टर्म है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, सॉरी, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं आपके। कुछ चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सिंपल और कॉमन लेवल की दे रखी हैं जो हर किसी ने सुनी होती है, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगला टर्म भी कुछ ऐसे ही, डिविडेंड, अपने पढ़ते हैं शेयर्स के बारे में बात करते हैं, तो डिविडेंड, तो व्हाट इज़ अ डिविडेंड, तो वेन एवर यू आर बाइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी तो आपको रिटर्न के फॉर्म में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और डिविडेंड हर साल मिलेगा जब तक आप शेयर रखोगे, तो प्रॉफिट में जो हिस्सा आपको दिया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं डिविडेंड। कभी कभी साल के बीच में मिलता है तो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ फाइनल डिविडेंड, ठीक है, वैसी सिचुएशन रहेगी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के ओनरशिप के पेपर्स जो ये प्रूव करते हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, सिंपल। नेक्स्ट डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब आपका घर कहाँ पे है, आप कौन से रीजियन को बिलोंग करते हो, आपका परमानेंट होम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ए डोमिसाइल, ठीक है। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरिंग वन पार्टी यूजुअली अ बैंक टू मेक पेमेंट टू अनदर फ्रॉम द फंड्स विच आर हेल्ड बाय द फॉर्मर। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, अगर आप बैंक में जाओ और उनको बोले ड्राफ्ट बना के दो, तो आप ही के अकाउंट में से वो एक चेक जैसा डॉक्यूमेंट बना के देते हैं और जिसको आपको पे करना है उसका नाम आप लिखवा सकते हो और आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ये ड्राफ्ट बनेगा। जैसे चेक में तो क्या होता है, आपने चेक इशू कर दिया फिर वो कटेगा, ये पहले कट जाता है और फिर आपको वो ड्राफ्ट का डॉक्यूमेंट मिलता है, तो दैट इज़ अ प्रीपेड फॉर्मेट।
और ये ज़्यादा सेफ होगा क्योंकि ये बाउंस नहीं हो सकता, तो इसको अपने बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। डंपिंग, डंपिंग का कंसेप्ट क्या होता है, चाइना वाला ये करता है इंडिया में सस्ते रेट में, इतने सस्ते में गुड्स यहाँ पर डंप करता है कि इंडिया की लोकल इंडस्ट्री पूरी ख़त्म हो जाती है और डिपेंडेंसी पूरी चाइना की तरफ शिफ्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डंपिंग। इसके लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ड्यूटीज़ लगाती है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि लोकल इंडस्ट्री को हार्म ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी का मतलब है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर परचेज के लिए जो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है, तो इसको हम सिर्फ सिंपल रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, EBIT एंड देन EBITDA, ये सब जो टर्म्स यहाँ पे दे रखे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये एक्चुअली आप फाइनेंशियल कैश फ्लोज में सीखोगे कि जो भी आपकी कमाई है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन लेस होता है, ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद उसमें से इंटरेस्ट का कॉस्ट लेस होता है, इंटरेस्ट का कॉस्ट लेस होने के बाद जो बचता है फाइनली फिर उसमें से टैक्सेस लेस होते हैं, तो इसको EBDIT ये बोला जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर उसको बोल सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, इसको EAT भी बोला जा सकता है, एंड जब इसमें से EBDIT ये जो टर्म यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है, इसमें से आप जब डेपरी लेस करते हैं तो जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड EBIT, ठीक है। तो ये सब टर्म्स थोड़े भी बाउंस जाएंगे मुझे पता है, बट आप इसको जितना पढ़ सको उतना काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी आप देख लो, बिकॉज़ ये चीज़ आगे डिस्कशन में आने ही वाली है जब हम आगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे फाइनेंस और कॉस्टिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट टर्म है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जितना बिजनेस लार्ज स्केल पे करोगे उतना फ़ायदा, मतलब लार्ज प्रोडक्शन, बड़ी फैक्ट्री, ज़्यादा बड़े शोरूम्स, ठीक है, तो उसका आपको बेनिफिट अगर मिलता है तो देन यू शुड गो फॉर एक्सपांशन, वैसे बोला जाता है। और लास्ट टर्म है इस पेज पे दैट इज़ ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स और इनकम टैक्स वायलेशंस और ये सब चीज़ों में, प्रॉपर्टी में झोलझाल, वो सब के ऊपर पूरा नज़र रखते हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये पीछे पड़ गए अगर तो फिर पंगा हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में आया गया पैसा उस पर नज़र रखने का काम करते हैं, और भी इनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो नॉट ओनली दिस मच, ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे। चलो, तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ, पेज नंबर 200 तक, तो एक बार इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे के पॉइंट्स जो हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से पेज 201 से कंटिन्यू करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।